नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो वो है कि जो हमारे पौधे में कीड़े लग जाते हैं, अक्सर किसी टाइप का अटैक हो जाता है, तो हमारे जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, अक्सर ख़राब हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि उसके लिए हम क्या करें, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें या घर का बना हुआ। तो मैं तो घर का बना हुआ ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अच्छे से घर में अवेलेबल भी हो जाता है। और क्या होता है ना, वो जो हम लोग कीटनाशक घर पे बनाते हैं वो पौधों के लिए नुकसान भी नहीं करते हैं। अगर कोई पौधों को टच करता है, बच्चे होते हैं अक्सर पौधे छू लेते हैं, तो उनको भी नुकसान नहीं करेगा। तो मैं घर का बना ही सजेस्ट करूँगी, और मैंने घर पर ही कुछ बनाया हुआ है। तो कीटनाशक जो घर पर मैंने बनाया है वो ईजिली आप लोग घर में बना सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं वो जो घर में हमारे अवेलेबल भी होते हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनसे बना सकते हैं। तो हमारे जो पौधों में कीड़े लगे होते हैं या लगने वाले होते हैं, उससे बचाव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरा हरसिंगार का प्लांट था, इसमें इस तरीके से कीड़े लगे हुए देखिए, और कीड़े लगने की वजह से आप पत्तियां भी देख सकते हैं कितनी ख़राब हो गई हैं। तो ये क्या था ना, पौधों के बीच में रखा हुआ था, इस पर ध्यान भी नहीं दिया। वैसे तो मैं आए दिन करते ही रहती हूँ फर्टिलाइज का छिड़काव, फिर भी आप देख सकते हो लग गया इसमें। तो मैं आपको आज घर पे कैसे बना सकते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पर दो चीज़ों से हम अच्छे से कीटनाशक बना सकते हैं। देखिए, भी पत्ती ख़राब हो गई, वो पत्तियाँ क्या करते हैं खा लेते हैं, तो जो हमारा प्लांट का जो पार्ट होता है, पत्तियाँ मेन चीज़ होती हैं, वो पत्तियों से ही खूबसूरती होती है पौधे की। तो मैं उन्हीं चीज़ों के लिए आज फर्टिलाइज बनाई हूँ घर पर ही। तो किस तरीके से आप बना सकते हैं वो देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी पत्तियों में लगे हुए इस तरीके से। आप चाहें तो इसे छिटक के निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, दोबारा लगने का भी खतरा रहता है। तो अगर आप कीटनाशक यूज करके इनको हटाएंगे तो दोबारा नहीं आते हैं, क्योंकि जो उनकी गंध होती है कीटनाशक की, दोबारा उस पर कीड़े नहीं आते, दूर ही रहते हैं। साथ में छोटे कीड़े मिले पक्ष होते हैं, स्पाइडर्स, चींटियाँ वगैरह भी होती हैं, जो कि पौधों में लग जाती हैं। देखिए इस तरीके से देखने में इतना डर लगता है छूते, बट मैंने सूट करने के लिए मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ इस तरीके से इतने कीड़े लगे हुए हैं। पत्तियाँ, प्लांट, जितने भी अगर फ्लावर भी आएंगे वो भी ख़राब हो जाते हैं। साथ साथ में क्या होती है ना, ग्रोथ भी पौधों की रुक जाती है अगर इस तरीके से कीड़े लग जाते हैं तो। और फ्रेंड्स, ऐसी जगह पे लगते हैं कि दिखाई ना दे, जब पत्तियाँ ख़राब होने लगती तब उस पर जाके नज़र पड़ती कि हाँ, मेरे पौधे ख़राब हो रहे हैं, उसमें कुछ अटैक हो गया कीड़ों का, तो तभी ध्यान में आता है। अगर ऊपर रहते तो दिख ही जाता, अगर पत्तियों के नीचे रहते तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप जब भी छिड़काव करें तो आप पत्तियाँ हटा के ऊपर नीचे अच्छे से कीटनाशक का छिड़काव करें। देखिए ये इसमें चींटियाँ कितनी लगी हुई है। तो चींटियाँ लगने से क्या होती हैं, जो हमारे नए नए बर्ड्स आते हैं या लीव्स आती हैं वो अच्छे से नहीं निकलती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने ये दो चीज़ें यूज़ किया है, आप देख सकते हैं डिटोल है, और मैंने एक शैम्पू का सेसे लिया हुआ है, जो कि मैं इससे आज आपको कीटनाशक बनाना बताऊँगी, जो कि अच्छे से बन जाता है और नुकसान भी नहीं करता पौधों को भी और हमारे हाथों को भी। तो मैंने एक लीटर यहाँ पानी लिया हुआ है, एक लीटर पानी में मुझे दोनों को ऐड करना है। बस आप इतना लें मात्रा उसकी जो हो, लिमिटेड ही लें। जैसे कि एक लीटर पानी है तो उसमें एक चम्मच आप ऐसे डिटोल ले लेंगे, और डिटोल लेने के बाद उसमें अच्छे से डाल के चला देना है, इस तरीके से मिलाना है अच्छे से। और फिर उसके बाद में हमको एक चम्मच शैम्पू लेना है। ये देखिए शैम्पू थोड़ा जेल टाइप का होता है, तो गाढ़ा होता है, तो इसको थोड़ा सा मिलाने में टाइम लगता है। तो आप लोग अच्छे से मिलाइएगा, तभी ये अच्छे से खुलेगा और हमारे पौधों में काम करेगा। इस तरीके से आप अच्छे से मिला लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें झाग भी आ जाता है शैम्पू की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं है, वो तो बाद में बुलबुले जो होते हैं बैठ जाते हैं। बट अच्छे से मिलाना है आपको, ताकि जो हमारा डेटॉल है, शैम्पू है, वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। मिलाने के बाद में फ्रेंड्स, हम एक बोतल लेंगे, स्प्रे बोतल, आप कोई भी बोतल ले सकते हैं। तो मैंने यह छोटा सा बोतल लिया हुआ है, उसी में मैंने उसको
जो मेरा पेस्टिसाइड तैयार हुआ है उसी में डाल के मैं छिड़काव करूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक एक पत्तियों में आपको छिड़काव करने हैं ताकि जो हमारे कीड़े हैं वो नीचे गिर जाएँ और जो लगने वाले हैं उसमें भी वो ना लगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिसमें लगे हैं उसी में आप इसका यूज करें, आप सारे प्लांट पे में इसको यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पौधे सारे बचे रहें। और फ्रेंड्स कीटनाशक का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे करते रहें ताकि जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे से चलें और अगर कोई कीड़े लगने का डर भी हो तो उसमें ना लगें और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा, अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो मैं इस तरीके से सारे पौधों में एक एक करके सब में मैं डालती रहूँगी, डाल दूँगी मैंने बनाया है तो। और फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं आप ही आपके पास हो तो इसी से, इसी पौधों के पास नहीं है अवेलेबल होता तो आप नीम की पत्तियों को उबाल कर भी उसका कीटनाशक बना सकते हैं या नीम ऑयल है उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन तो बहुत है बनाने के, बस काम करने के ऊपर है कि आप किस तरीके से बनाते हो। और फ्रेंड्स आप चाहें तो जैसे नीम की पत्तियाँ होती हैं उनको बॉयल करके भी आप कीटनाशक बना सकते हो या नीम ऑयल होता है उनसे भी बना सकते हो। और घर में कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती हैं जो कि हम लोग पेस्टिसाइड बना सकते हैं जिससे हमारे प्लांट में अच्छे से जो कीड़े लगते हैं उनके काम आ सकें। तो इस तरीके से अगर आप घर पे ही बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, हमारे बजट में भी रहता है। और क्या होता है ना कि जैसे कि जो केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं क्योंकि अगर एक बार हम प्लांट पे डाल देते हैं तो कुछ दिन तक तो बच्चों को छूने तक नहीं देते। बच्चों के बाद क्या है हमें लोग नहीं टच करते हैं क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं रहता ना कि आँखों पे कब हाथ चला जाए या कुछ हो जाए। तो बस इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अच्छे से पेस्टिसाइड भी तैयार हो जाएगा और आपके बजट में भी बन सकता है। सो फ्रेंड ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो नए प्लांट्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।